हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो आज है 24th अक्टूबर और अभी टाइम हुआ है 8:30। आज है हमारा day 3 उडुपी में। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दोनों के तरफ से। हैप्पी दशहरा। सो अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग प्लान करेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे आज साइट सीन करने के लिए। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं उडुपी में। सो ये है अभी प्रॉपर्टी के आउटसाइड में कैसा दिखता है। सो अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है और हमारी बाइक यहीं खड़ी थी जस्ट। ये हमारा रूम है और रूम से जस्ट बाहर में ही ये यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी है। सो यहाँ पे बैठने का जगह है। कल रात को हम लोग यहाँ बैठे थे डिनर विनर करने के लिए और ये सारे रूम्स हैं। और ये जो सीधा है यहाँ पे ये हॉल रूम है और अभी वहीं पे शायद ब्रेकफास्ट लगेगा। और ये इन लोगों का किचन है। काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है। ये खाना बना रहे हैं। हाँ और धूप एकदम ऊपर। यहाँ शायद बैठना है। क्या खा रहे हो तुम? कैसा है? इसके बाद हम लोग अभी खाएंगे मसाला डोसा है ना और बॉइल्ड एग। तो ये सब है आज, मसाला डोसा, प्लेन डोसा और ये पुलियोगिनी राइस। हेलो दोस्तों, सो अभी हम लोग निकल चुके हैं प्रॉपर्टी से। वो वहाँ से आए हैं हम लोग और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे मट्टू बीच। मट्टू बीच से फिर जाएंगे मालपे बीच और फिर सेंट मेरी आइलैंड। सो ये तीन पहला टारगेट है हम लोगों का। सो यहाँ से मट्टू बीच जो है वो ऑलमोस्ट बता रहा है 43 किलोमीटर, जो कि हम लोगों को लगने वाला है 53 मिनट। और धूप अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 10 बजे। कल हम लोगों को यहाँ से एक बहुत बड़ा सांप जाते हुए देखा है, लेकिन उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि गोप्रो ऑफ था। फिर ये पूरा अंदर में ये गांव है, बहुत प्यारा सा एकदम छोटा सा गांव है। और यहाँ से आई थिंक और अनदर 1-2 किलोमीटर में फिर NH लग जाएगा, NH 66। और ये हम लोग अभी हाईवे टच कर चुके हैं। अब यहाँ से सीधा सीधा 43 किलोमीटर जाना है। कल का जो हम लोग डेल्टा पॉइंट में गए थे वो एक्चुअली एक एस्चुअरी कहते हैं। सो वहाँ से टोटल 5 नदियों का यू नो ओरिजिन है। तो उसको पंचगंगा, पूरा नाम मुझे याद नहीं है बट पंचगंगा कुछ तो है जो कहते हैं। कल वहाँ पे वो एक्चुअली फेमस है सनसेट के लिए। तो हम लोग जो प्रॉपर्टी में रह रहे हैं उनका भी एक प्राइवेट बीच ही है। ओवरऑल अच्छा है, साइलेंट है, मतलब ज़्यादा हलचल भी नहीं है। खाने की ऑप्शन थोड़ा सा लिमिटेड लगा ऐसा, बट ओवरऑल टेस्टी है सब कुछ, है ना।
हाँ फूड टेस्टी है। मॉर्निंग का भी मतलब ऑप्शन ज़्यादा नहीं था बट फिर भी अच्छा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले रुक रहे हैं उडुपी से और अभी जितने सारे स्पॉट है वो पीछे रह गया है। सो हमें मतलब जहाँ पे भी साइट सीन करना है वो आगे ही जाना है, मतलब पीछे ही जाना है। और ये हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन में आ गए हैं जो कि है मट्टू ब्रिज। अच्छा ये कह रहे हैं आप इधर से ऐसे जाओ, और फिर ऐसे जाके वाओ। ये रहा मट्टू ब्रिज। ये भी ऐसे ही रोड आपका 10 किलोमीटर तक है। मतलब ये एरिया ऐसे जन्नत से कम नहीं है, हैं? मतलब क्या जगह है यार, आपके उस साइड बैक वाटर, यहाँ पे समुंदर, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में।
ऐसी रोड हो तो इंसान 100-200 किलोमीटर चला लेना। देखो जाल के वो कर रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर मंदिर है ना यहाँ बनाते हैं लगता है। आई थिंक वो या वो वाला, दोनों में से कोई एक है सेंट मेरी आइलैंड। नहीं नहीं पास है, मतलब फेरी से जाते हैं ना, तो बहुत दूर थोड़ी ना कि एक घंटे का डिस्टेंस लगता है, ऐसा नहीं है। हाँ बस यहीं पे हमारा ये एक साइड बैकवाटर और एक साइड समुंदर की यात्रा ख़त्म होती है अभी। और 400 मीटर पे हमें राइट लेना होगा, लेके थोड़ा सा शहर की तरफ जाके फिर मालपे बीच। ये है मालपे पादुकेड़े बीच। नो पार्किंग हियर। ओह हो ब्यूटीफुल। यहाँ पे रुकना अलाउ नहीं है। हाँ नो पार्किंग लिखा है। कितना सुंदर करके रखा है ना बोर्ड सारे। ये आ गए हम लोग मालपे बीच। मालपे ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। सर सेंट मेरी आइलैंड कहाँ से जाता है? कोई नहीं जा सकते। नहीं नहीं वो बोट से, बोट वाला बुकिंग कहाँ है सेंट मेरी आइलैंड? इफ यू वांट बिग बोट और स्मॉल बोट। स्मॉल बोट ओके ओके ओके। ये पहले तो कुछ अलग होता था यार। From here only, no? Yes, you go left side. Okay. Left side. Okay. You're starting there, parking. Okay, thank you. तो पहले जब हम लोग आए थे 5-6-7 साल पहले, तब यहाँ कहीं पीछे वो बुकिंग वगैरह लेते थे। अभी कह रहे हैं कि यहीं से आपको बोट लेना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बाइक को पार्क करना होगा। बाइक को अपन वो पीछे पार्क करते हैं ना। So, अभी हम मालपे बीच आ चुके हैं और यहाँ पे ये जो ओशियन एडवेंचर्स करके जो बोट लगा हुआ है, यहाँ पे ये सेंट मेरी आइलैंड का टिकट भी दे रहा है और अदर एडवेंचरस एक्टिविटीज जो जो करा रहे हैं, कायाकिंग, स्कूटर। यहाँ पे बोल रहे हैं दो है। हाँ। एक गवर्नमेंट भी है उस तरफ। हाँ। लेकिन वो थोड़ा दूर है। हाँ। तो हम लोग नहीं जा रहे, प्राइवेट वाले से करते हैं। गवर्नमेंट में आई थिंक 100 रुपीस का सिर्फ फर्क है। अभी जैसा हमने वो नींबू वाले जो वहाँ पे हमने नींबू पानी पिया है और वहीं पे अपना हेलमेट भी रख दिया, क्योंकि हेलमेट लॉक तो नहीं लगाते हैं हम लोग और बैग भी लाए नहीं है इस बार, उसी के पास रख के आ गए। देखते हैं कितना लेता है। आई थिंक 450 समथिंग पर हेड लेने वाला है, पर लेट्स सी। और ये हम लोगों ने अभी टिकट ले लिया है और टिकट 400 करके पर हेड। तो गवर्नमेंट से 100 रुपीज़ ज़्यादा है, पर ठीक है। अभी 200 अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर फिर जाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। सो वो उस तरफ है, बहुत वो जो दिख रहा है वो स्टोरेज टाइप। हाँ वो है एक्चुअली गवर्नमेंट का टिकट। सो अभी हम लोग और टिकट हम लोग लिए हैं यहाँ से, ये वाले में से। ये जो है
टिकट लिए हैं और अभी हम लोग जाएंगे, ऐसे लाइन लगा हुआ है, अभी हम लोग फिर जाएंगे यहाँ से। ये जो लाइन है ये पूरे आइलैंड का लाइन है जाने के लिए, वो बोट आ रहा है वहाँ से उतना तक जाते हैं, उस बोट में जाना है। हाँ, वो जो ये जो बोट है ये आ गया है, मतलब ये दूसरा वहाँ से सवारी लेके आ गया, अब फिर हमें लेके जाएगा। एक ऑलमोस्ट एक घंटे के बाद हमें टिकट मिली है। आज थोड़ा पता नहीं भीड़ ज़्यादा है शायद दशहरा की वजह से, यहाँ से लोग उतरेंगे और फिर हम लोग ऐसे लाइन से ऐसे तो अभी हम सेंट मेरी आइलैंड के लिए निकलने वाले हैं। स्टीमर में बैठ चुके हैं और आई थिंक स्टीमर वाला लाइन 15 मिनट का बस था ना। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी चेयर्स बैठने वाली हैं और लाइफ जैकेट भी प्रोवाइड किया हुआ है, बट आई थिंक बहुत से लोग खड़े होके भी जाने वाले हैं। सो ऐसा है, हम लोग थोड़ा सा आगे आके ये जो इसमें स्टीमर में बैठने को मिला है, तो आप जो भी जीन्स या आपका ड्रेस पहन के आ रहे हो हाफ आपको कर लेना होगा, नहीं तो पूरा पैंट या फ्रॉक जीन्स जो भी आप पहने गीला हो जाने वाला है। ओ आने वालों की लाइन लगी है, इसी तरीके से आप जैसे जाने में आपकी लाइन थी आने में भी आपकी लाइन रहेगी। गहरा तो है बट पानी बहुत साफ है। और ये है वो फेमस सेंट मेरी आइलैंड, ये है यहाँ की एंट्रेंस, मतलब लोग किस कैसे गंदे करके रखते हैं ना, पूरे बॉटल्स वॉटल्स सब रख के रखे हैं। हम लोग जब पहले आया था तब ऐसे ये बनाया नहीं था, प्लेन था लास्ट टाइम, आई थिंक 5 to 6 ईयर्स पहले। सो अभी ये बनाया है गेट, फिर देखते हैं अंदर। यहाँ पे पानी का बॉटल वॉटल भी मिलता है, ये लोग बेच रहे हैं बट हमने लिया है। सो ये जो सेंट मेरी आइलैंड है, यहाँ पे इसका हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे फर्स्ट वास्को दा गामा यहाँ पे आए थे, फिर यहाँ से उनको लगा कि हाँ अब इंडिया के अंदर भी जाना है, और ये है वहाँ के हिस्ट्री। सो ये आप लोग थोड़ा सा वॉच करके पढ़ सकते हो। ये आइलैंड आल्सो नोन एज कोकोनट आइलैंड, हाँ यहाँ पे कोकोनट का बहुत मतलब मैक्सिमम कोकोनट ट्री है इसके लिए। तो ये मतलब आप यहाँ पर बैठे रहो चिल मारो एक घंटा, सिर्फ हमें एक घंटे का टाइम दिया है, बोला है एक घंटे बाद आपको वापस जाना है। यहाँ पे ये सारे रूल्स हैं सेंट मेरी के आइलैंड के जो कि कोई मानता नहीं है। हाँ भी सकते हो, यहाँ का एक खास बात क्या है पता है, यहाँ के जो रेत है ना, ये रेत है ये सीशल, हम देख पा रहे कि नहीं, यहाँ पे नॉर्मल रेत नहीं है सारे सीशल है। वन आवर हो गया है
और अभी हम निकल रहे हैं वापस कहाँ मालपे बीच से सही बिरयानी लाते हैं ना अभी हम सबसे आगे बैठे हैं वो पूरा भर गया स्टिल वो चला नहीं रहा पता नहीं कितने लोगों को और बिठाने वाला है ना ये है फेमस थिमप्पा रेस्टोरेंट जो कि फिश के लिए फेमस है उडुपी में तो हम लोग आए थे अभी जगह नहीं मिला तो हमने फिर पैक करा लिए एक पॉम्फ्रेट और एक पॉम्फ्रेट के साथ राइस प्रॉन ग्रेवी तो ये नया बना है और ये वाला ओल्ड अंदर इतने भीड़ थे तो इसके लिए हमने सोचा कि पैक करा लिया और ये है थिमप्पा के फेमस पॉम्फ्रेट मसाला फ्राई अभी हम लोग कृष्णा मंदिर आए हैं श्री कृष्ण मठ उडुपी ये यहाँ का फेमस मठ है तो अंदर देखते हैं अंदर वीडियोग्राफी अलाउ है या नहीं है बट इसके लिए मैं यहाँ बाहर से कवर कर लेती हूँ